नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मयुद्ध में हूं पेनाज और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अब से कुछ ही देर में बीजेपी मुख्यालय में पहुंचेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी। इसके अलावा वो वहां के पुराने कर्मचारियों से भी मुलाकात करेंगे। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यक्रम शाम 5:30 बजे का था, लेकिन उसके बाद यह कार्यक्रम पोस्टपोन हुआ और 7 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ। लेकिन अब वो किसी भी वक्त हेडक्वार्टर में पहुंच सकते हैं। कार्यकर्ताओं में नई जोश, नई ऊर्जा भरना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर इस कार्यक्रम के साथ एजेंडा रहेगा। जाहिर सी बात है, जिस तरह से पार्टी को उम्मीद के मुताबिक नतीजे जो है नहीं मिले, लोकसभा चुनाव में दूसरी बार सरकार बनी, ऐतिहासिक ये लम्हा है। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष जिस तरह से लगातार टारगेट कर रहा है और कुछ खास राज्यों में, खास तौर से उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से संगठन और सरकार के बीच खींचतान की खबरें आ रही हैं, उस सब के बीच में प्रधानमंत्री का अपने परिवार के मुखिया के तौर पर यहां कार्यकर्ताओं से और पार्टी मुख्यालय के कर्मचारियों से मिलना, क्या कुछ एजेंडा रहेगा, क्या कुछ संदेश आज दे सकते हैं, किस तरह का उनका कार्यक्रम रहेगा, तमाम अपडेट हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ चुके हैं बीजेपी मुख्यालय से। देवेंद्र जी, क्या आज प्रधानमंत्री मुलाकात के बाद क्या संबोधन भी करेंगे, क्या कुछ उनका यहाँ कार्यक्रम रहना है, क्या मकसद लेकर जा रहे हैं वहाँ? देखिए, सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के बाद, क्योंकि अलग अलग सेक्शन में लोगों से वो लगातार मिलते रहे, पार्टी के चुनाव अभियान में जो लोग भी जुड़े रहे हैं, उसी सिलसिला में पार्टी दफ्तर में जो कर्मचारी काम करते हैं, तकरीबन 40-50 के आसपास उनकी संख्या होगी जिनसे प्रधानमंत्री मोदी की आज मुलाकात होगी, उनसे ये औपचारिक मुलाकात, औपचारिक शिष्टाचार मुलाकात करते हैं। इसका कोई राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं, राजनीतिक संदेश से इतना ही लेना देना समझा जा सकता है कि अगर देश के प्रधानमंत्री अपने पार्टी संगठन के पार्टी मुख्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों से इस सहजता से मिल रहे हैं, तो वो एक मैसेज बड़ा अच्छा जाता है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी, या देश भर में बीजेपी के दफ्तर में जो लोग काम करते हैं उनके अंदर भी। और बीजेपी के मुख्यालय में जो लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो सैलरीड लोग होते हैं, जाहिर तौर पर कर्मचारी हैं वो, और उस लिहाज से देश के प्रधानमंत्री का उनके बीच आना, उनसे मिलना, क्योंकि बैठकों के लिए लगातार वो आते रहे हैं। हमने देखा कि चुनाव के दरमियान जितनी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक रही, 1 घंटे वो उस मुख्यालय में रहते थे, और समझा जा सकता है कि अगर 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे देश के प्रधानमंत्री उस मुख्यालय में हैं और देर रात तक वो बैठक चलती थी, तो जो भी कर्मचारी हैं किस प्रकार से उन सारे कामों में संलग्न रहते थे, और उस लिहाज से एक थैंक यू नोट के तौर पर आप कह सकते हैं कि जब तीसरी बार पीएम मोदी ने कमान संभाली है देश की, तो उसमें उन कर्मचारियों के लिए भी जो भी उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है इस पूरे चुनाव अभियान में, उनके एक थैंक यू नोट देने के लिए पीएम मोदी आ रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि अभी भी कम से कम 40-45 मिनट या उससे ज़्यादा का ही समय लग सकता है, क्योंकि अभी तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी नहीं आए हैं। जेपी नड्डा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करेंगे, तो वो अभी नहीं पहुँचे हैं, तो इससे समझा जा सकता है कि कम से कम 40-45 मिनट और विलम्ब लगेगा इसमें। जी ठीक है, देवेंद्र जी, यहाँ पर पहले 5:30 का टाइम था, उसके बाद उसको बदलकर 7 क्यों करना पड़ा, और क्या ये ऑन कैमरा ये सब कुछ मुलाकात होगी या फिर इन पर्सन मिलेंगे, क्या वहाँ पे किसी तरह का संबोधन होगा, सिर्फ कार्यकर्ता जो वहाँ कर्मचारी हैं वही हैं या कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे? नहीं, जो कर्मचारी हैं सिर्फ वही हैं, और मीडिया का एक्सेस उसमें सिर्फ इतना रखा गया है कि जो पोर्टिको है उस पोर्टिको में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे वहाँ पे उनकी गाड़ी रुकेगी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनकी अगवानी करके उन्हें अंदर ले जाएंगे, एक्सेस मीडिया के लिहाज से इतना ही है। और मुलाकात के बाद संभव है कि बीजेपी की तरफ से कोई वीडियो जारी किया जाए, उसमें मुलाकात का कोई अच्छा प्रसंग कुछ वैसा रहा तो उसके शॉर्ट्स कुछ जारी किए जा सकते हैं, लेकिन उसके बारे में भी अभी कुछ बताया नहीं गया है, और उस प्रकार के किसी संबोधन की कोई तैयारी नहीं। ये औपचारिक शिष्टाचार मुलाकात जैसी होती है जिसमें बातचीत होती है, पहले भी हमने देखा है कि प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय में भी मिले हैं, 7LK में भी बुलाया गया है बीजेपी के कर्मचारियों को, उसमें जो बातचीत होती है वो एक दूसरे को जानने समझने की बातचीत ज़्यादा रहती है। ठीक है देवेंद्र जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री अभी पहुंचे नहीं है, हो सकता है कि उनको वहां पहुंचने में कुछ वक्त और लगेगा, और ये मुलाकात जो है सिर्फ वहां जो बीजेपी दफ्तर है उसकी देखरेख करने वाले कर्मचारियों के साथ होगी और कैमरे के बिना होगी। बाद में जिस तरह से देवेंद्र कह रहे हैं कि अगर कुछ फोटो या वीडियो रिलीज की जाए तो अलहदाबाद है।